कराची के अंदर ना बहुत बड़ा धमाका हुआ था, बहुत हलचल अफरा तफरी का आलम था और बहुत बड़ी बड़ी जो मार्केट्स थी वो जला दी गई थी उस दिन। तो उस दिन कराची के कारोबारी हलकों के अंदर ये बात मशहूर हुई कि वो हाथ जो कल रात को देने वाला हाथ था, जो चैरिटीज फंड्स अल्लाह के नाम पे गरीबों में खानदानों में देने वाला हाथ था, वो अगली सुबह लेने वाला हाथ बन गया। एक कौम थी जो वही नाशुकरापन, क्या अल्लाह को मैं ही मिला था, क्या कोई और इंसान नहीं मिला था, हमसे ऐसी क्या खता हो गई, हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, क्या हम ही मिले थे अल्लाह को। एक नैरेटिव मीडिया के ऊपर ये चल रहा था और एक मैंने पहाड़ इंसान देखा जो पहाड़ों की तरह ऊंचा था, समंदर की तरह गहरा था, उसके शक्ल के ऊपर एक सकीनत थी, वो सकीनत जो अल्लाह आसमानों से नाजिल करता है मुसलमानों पे कि वो जंगों में भी सो जाते हैं, वो सकीनत थी, उसका सब कुछ डूब गया, वो फकीरी के अंदर आ गया इंसान, वो मकरूज हो गया, करोड़ों और अरबों का नुकसान हो गया और एक उसके चेहरे के ऊपर एक तमानीनत ताजगी। रिपोर्टर गया उसके पास, कहता क्या गया आपका, क्या नुकसान हुआ आपका, खैर कुछ बचा ही नहीं, क्या बताऊं क्या नुकसान, लोग जमीन पे आते हैं मैं दफन हो गया हूं नीचे, ये मेरा हाल। खैर हम क्या कहेंगे, वो शख्स अगर मुझे मिल जाए ना मैं उसका माथा चूम बैठूं उसके चरणों में जाके वो गुर सीखूं। पता है उसने क्या बात की, कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ, और मेरा था ही नहीं, जिसका था उसने ले लिया, वो चाहे तो दे दे वो चाहे तो ले ले, कोई मसले की बात ही नहीं। एक ही प्रॉब्लम, एक ही मुसीबत, एक ही गम, उसको टैकल करने का, उसको समझने का, उसके ऊपर फलसफा इंसान को देखें क्या दो एक्सट्रीम रिएक्शंस के ऊपर खड़ा कर देता है। वो सब कुछ बर्बाद करके और आखिरत भी बर्बाद कर गया अपनी, अल्लाह को भी नाराज कर गया, दूसरा इंसान सब कुछ बर्बाद करके अल्लाह को राजी कर गया।